तो आपने दर्शन कराए और उसके बाद फिर पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और आगे के सोपान चढ़ते हैं। देव ऋषि नारद जी का सत्संग प्राप्त होता है, श्री अंगिरा ऋषि का सत्संग प्राप्त आपको हुआ, फिर आप धीरे धीरे गोपी भाव में, सखी भाव में आगे बढ़ते बढ़ते अंत में महाभाव में प्रवेश कर गए। उस समय उनकी क्या साधना रही ये सदा ही गुप्त रहा, भाई जी ने किसी को बताया नहीं और हमने भी कहीं पढ़ा नहीं कि भाई जी ने किस प्रकार से क्या साधना की, भाई जी ने अपने आप को गुप्त ही रखा। हाँ, बाबा ने जो साधना की है वो अवश्य उसका वर्णन यत्र तत्र आता है। तो वही उपासना भाई जी ने की है, क्योंकि उपासना तो वही है, प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। जैसे निमार संप्रदाय में सखी भाव से भावित पहले अपने आप को एक साधना में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि प्रारंभ में साधक थोड़ा कल्पना का आधार लेता है, और कल्पना कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि जिस भाषा को लोग अधिक समझते हैं, दरअसल कल्पना ना उसको भावना कहना उचित है। फिर भी समझाने के लिए प्रारंभ में साधक थोड़ा कल्पना का आश्रय लेता है और मन ही मन एक विचार करता है, और उस समय अपने आप को सखी गोपी या सखा मान करके जो भी लीलाएं वो जानते हैं, जैसे सखी भाव है तो सखी भाव की लीलाएं जो ग्रंथों में लिखी उन लीलाओं के अनुसार, जो माणी ग्रंथों में लिखा उन ग्रंथों के अनुसार अपना सखी सहचरी वपु की भावना करके और नित्य सखियों में सम्मिलित होकर के प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा करते हैं। लेकिन बाबा के साथ और भाई जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने गोपी भाव की साधना की नहीं बल्कि कृपा से प्राप्त हो गया। देव ऋषि नारद जी की कृपा से भाई जी और भाई जी की कृपा से पूज्य बाबा, गुरु कृपा कहिए चाहे गोविंद कृपा, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों पर्याय हो जाते हैं, एक तत्व होकर भी दो रूपों में लीलामान होते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। तो भाई जी की कृपा लाभ प्राप्त करके बाबा भी सखी भाव से भावित होने लगे। ठीक है, अभी उतना प्रगाढ़ता से नहीं अपना अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन उस भाव की छाया आ गई भीतर, और बार बार भाई जी ने जैसा संकल्प किया था बाबा के लिए, बाबा के सन्मुख जब चाहे ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे, समय बेसमय, बाबा बुलाते भी नहीं थे, और कहीं ऐसी परिस्थिति होती थी बाबा चाहते नहीं थे कि इस समय ठाकुर जी आए, क्योंकि विशेष उसमें लगे थे काम में सेठ जी के साथ में, लेकिन फिर भी ठाकुर जी बिना बुलाए जबरदस्ती आ जाते थे। ऐसी भाई जी के यहाँ भी एक बार तो ठाकुर जी ने कहा था कि अब दो बार मैं बिना बुलाए आ गए हूँ, अब बिना बुलाए नहीं आऊँगा, अब जब तुम कहोगे तभी आऊँगा। तो बिना बुलाए मतलब भाई जी के पास, वही स्थिति बाबा की हो गई, बिना बुलाए ठाकुर जी आ रहे, और लोग रो रो के मर जाते हैं तब भी सपने में भी नहीं आते। यह कृपा का रास्ता।